तिरुपति बालाजी की आंखें रहती हैं बंद, जानिए इसके पीछे का क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन। देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने रहस्य की वजह से बेहद प्रसिद्ध हैं और इनमें से ही एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। साथ ही यह मंदिर अपनी कई मान्यताओं की वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर जगत के पालन भगवान विष्णु के रूप में भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। मान्यता के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने अपने भक्तों को समस्याओं से बचाने के लिए कलयुग में अवतार लिया। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के रहने से कलयुग का अंत नहीं होता। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने से साधु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप सभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हो या फिर आपने सुना हो कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें बंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेंकटेश्वर भगवान की आंखें बंद वजह क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस बारे में। आपको विस्तार से बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें बंद रहने के पीछे का आखिरी रहस्य क्या है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का वास माना जाता है। प्रभु वेंकटेश्वर को उनकी चमकीली और शक्तिशाली नेत्रों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होने की वजह से भक्त उनके नेत्रों को सीधा नहीं देख पाते, इसलिए भगवान वेंकटेश्वर की आंखों को सफेद मुखौटे से ढका जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की आंखों से केवल गुरुवार के दिन मुखौटा ढका जाता है, तो ऐसे में इस दौरान क्षण भर के लिए भक्त उनकी आंखों को कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि चंदन का स्नान वेंकटेश्वर भगवान का किस दिन किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। देखिए, गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर का चंदन से स्नान किया जाता है और इसके बाद उनकी मूर्ति पर चंदन लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के हृदय पर चंदन लगाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए।